नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्लास अगेन सबकी कक्षा। क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बेसिकली ये जो निसार सैटेलाइट जो कि लॉन्च होने जा रहा है 2024 में, इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो अगर हम लोग देखें, ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, दैट विल यूज रेडार टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर चेंजेस ऑन द अर्थ सर्फेस। ये रेडार टेक्नोलॉजी को यूज करेगा और मॉनिटर कर सकेगा अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी चेंजेज आ रहा है, उसकी मॉनिटरिंग में ये निसार सैटेलाइट हमारी हेल्प करेगा। दी निसार सैटेलाइट विल ऑफर ऑब्जर्वेशंस अलोंग विद 4 to 5 ऑफ अवर अदर स्पेस ऑब्जर्वेटरीज। ये निसार सैटेलाइट हमारी हेल्प करेगा अलोंग विद द 4 to 5, हमारे 4 से 5 जो स्पेस ऑब्जर्वेटरीज हैं उसमें ये हमारी हेल्प करेगा। इट विल ऑल्सो हेल्प अस टू डेवलप अ 3D मॉडल ऑफ वट इज हैपनिंग ऑन अर्थ। पृथ्वी के ऊपर जो भी हो रहा है, इस चीज का हमें 3D मॉडल्स बनाने में ये हमारी हेल्प करेगा। इट विल मॉनिटर चेंजेस क्लोज टू द सरफेस। ये मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस ऑन लैंड ड्यू टू दी अर्थक्वेक, मतलब जो भी चेंजेस आ रहे हैं अर्थ सरफेस के ऊपर सच एज ड्यू टू अर्थक्वेक, इस चीज की मॉनिटरिंग में ये हमारी हेल्प करेगा ये निसार सैटेलाइट। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि निसार सैटेलाइट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। अगर हम लोग हाल ही के मंथ्स में देखें तो बहुत सारे अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक इरप्शंस हमें देखने को मिले हैं। तो इन सभी एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखने में ये निसार सैटेलाइट हमारी हेल्प करेगा। अगर हम लोग निसार सैटेलाइट की बात करें तो निसार सैटेलाइट नासा और इसरो दोनों मिल करके तैयार कर रही है। ये अपने आप में मतलब एक खास तरह का रेडार होगा इन स्पेस टू सिस्टमेटिकली मैप अर्थ। अर्थ की मैपिंग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। यूजिंग टू डिफरेंट रेडार फ्रीक्वेंसीज, ये दो अलग अलग रेडार फ्रीक्वेंसीज को यूटिलाइज करेगा। एक एल बैंड फ्रीक्वेंसी होगा और दूसरा एस बैंड फ्रीक्वेंसी होगा, ताकि मेजर किया जा सके चेंजेस इन आवर प्लैनेट्स सरफेस लेस देन अ सेंटीमीटर अक्रॉस। मतलब मोर एक्यूरेटली जो अर्थ का सरफेस है, जो हमारा प्लैनेट है, प्लैनेट के सरफेस को मोर एक्यूरेटली ये मेजर करने में, इसको मैप करने में ये हमारी हेल्प करेगा। तो ये निसार मिशन क्या था? तो निसार हैज बीन बिल्ड बाय स्पेस एजेंसीज ऑफ द US एंड इंडिया अंडर अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइंड इन 2014। 2014 में इंडिया और US की जो स्पेस एजेंसीज हैं, इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था ये निसार सैटेलाइट को बिल्ड करने का। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इट विल बी लॉन्च्ड इन जनवरी 2024 के जनवरी में इसको लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इनटू अ नियर पोलर ऑर्बिट। नियर पोलर ऑर्बिट में इसको 2024 में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। द सैटेलाइट विल ऑपरेट फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स। कम से कम 3 साल के लिए ये सैटेलाइट ऑपरेट करेगा और ये सैटेलाइट होगा हमारा लो अर्थ ऑर्बिट में, मतलब कि ये एक लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी होगा। एंड दिस निसार विल हेल्प अस इन मैपिंग द एंटायर ग्लोब इन 12 डेज। मात्र 12 दिन के अंदर जो है ये निसार सैटेलाइट हमारी हेल्प करेगा पूरे ग्लोब को, मतलब पूरे अर्थ को मैप करने में, पूरे अर्थ की मैपिंग में ये हमारी हेल्प करेगा और वो मैपिंग जो है मात्र 12 डेज में हो पाएगा। अगर हम इसके फीचर्स को देखें तो ये 2800 किलोग्राम का एक सैटेलाइट है, कंसिस्टिंग ऑफ बोथ एल बैंड एंड एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार इंस्ट्रूमेंट। इसमें दोनों एल बैंड और एस बैंड सार इंस्ट्रूमेंट्स लगा होगा, विच मेक्स इट अ ड्यूअल फ्रीक्वेंसी इमेजिंग रडार सैटेलाइट। नासा जो है इन्होंने प्रोवाइड किया है एल बैंड रडार, GPS, अ हाई कैपेसिटी सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर टू स्टोर डाटा एंड अ पेलोड डाटा सबसिस्टम। तो ये चीज अवेलेबल करवाया गया है नासा के द्वारा, जबकि इसरो जो है इन्होंने प्रोवाइड किया है एस बैंड रडार को। और दी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब कि जो GSLV है उसको इन्होंने प्रोवाइड करवाया है, जो कि एक लॉन्च सिस्टम है और एक स्पेसक्राफ्ट। एस बैंड रडार्स ऑपरेट्स ऑन वेवलेंथ ऑफ 8 to 15 सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 to 4 GHz।
जो एच बैंड रेडार्स हैं ये ऑपरेट करता है 8 से 15 सेंटीमीटर के वेवलेंथ में, और जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 2 से 4 गीगाहर्ज की होती है। बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दे आर नॉट ईजली अटेनुएटेड, दिस मेक्स देम यूजफुल फॉर नियर एंड फायर रेंज वेदर ऑब्जर्वेशन। क्योंकि जो इनकी वेवलेंथ है और जो फ्रीक्वेंसी है ये इजिली अटेनुएट नहीं हो सकता है, और इस वजह से इट मेक्स देम यूजफुल फॉर नियर एंड फार रेंज वेदर ऑब्जर्वेशन, ये नज़दीक के और दूर के जो जो वेदर ऑब्जर्वेशन हैं इस ऑब्जर्वेशन को करने में ये इस वजह से हेल्प करता है। ये एक 39 फुट स्टेशनरी एंटीना रिफ्लेक्टर हैं मेड ऑफ अ गोल्ड प्लेटेड वायर मेश, जो कि गोल्ड प्लेटेड वायर मेश से बना हुआ है, और जो रिफ्लेक्टर हैं इट विल बी यूज्ड टू फोकस द रडार सिग्नल्स एमिटेड एंड रिसीव्ड बाय द अपवर्ड फेसिंग फिट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर। बाय यूजिंग SAR निसार विल हेल्प प्रोड्यूस हाई रिजोल्यूशन इमेजेस। निसार का यूज करके हम लोग हाई रिजोल्यूशन हाई क्वालिटीज के इमेजेस को प्रोड्यूस कर पाएंगे। सार इज कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग क्लाउड्स, इसके अंदर इतनी क्षमता है कि ये क्लाउड्स को भी पेनिट्रेट कर सकता है, एंड कलेक्ट डेटा डे एंड नाइट्स रिगार्डलेस ऑफ द वेदर कंडीशन, चाहे किसी भी तरह का वेदर कंडीशंस हो उस कंडीशंस में ये डेटास को कलेक्ट कर सकता है। तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। नासा रिक्वायर्स द एल बैंड रडार फॉर इट्स ग्लोबल साइंस ऑपरेशन, चूँकि नासा जो है उन्हें एल बैंड रेडार्स की ज़रूरत है इनको अपने ग्लोबल साइंस ऑपरेशंस के लिए फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, कम से कम 3 वर्ष के लिए, जबकि इसरो जो है ये यूटिलाइज करेगा एस बैंड रेडार फॉर अ मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स, कम से कम 5 वर्ष के लिए ये एस बैंड रेडार्स को यूज़ करेगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।